हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। 2,3, 4,1। लेट द पॉइंट पी 2,3, इनको नेम दीजिए आप, चाहे पी ए बी चाहे पी क्यू, कुछ भी नेम मेंशन करना है आपने। लेट द पॉइंट पी 2,3 एंड क्यू बी 4,1 बी द गिवन पॉइंट। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, मैंने इनको नेम मेंशन किया है पी और क्यू का, तो इन दोनों के बीच का आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले ये क्या होता है, आपके पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। हियर एक्स वन इज इक्वल टू 2, वाई वन इज इक्वल टू 3, एक्स टू ऐसे मेंशन कीजिए एक्स टू 4, वाई टू 1। दो पॉइंट के बीच का आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस। कौन से दो पॉइंट, पी और क्यू। कैसे निकालेंगे, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। 4 x2 के आपके पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद ही आपने स्क्वायर करना है। 4 माइनस 2 कितना होगा आपके पास 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा आपके पास 2, बड़ी डिजिट का साइन के आपके पास माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 कितना होगा आपके पास 8, 8 का जिस बच्चे को रूट नहीं लेना तो वो इसका फैक्टर कीजिए। 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का क्या होता है रूट 2 और अंदर क्या आ गया आपके पास 2, और ऐसे भी कर सकते हैं 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने का पेयर बन रहा है, इन दो का पेयर बन रहा है, तो एक बाहर आ गया और एक रूट के अंदर आ गया, ये आपका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेम आपने डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट्स के बीच में, माइनस 5,7 माइनस 1,3। लेट द पॉइंट पी माइनस 5,7 एंड क्यू माइनस 1,3 बी द गिवन पॉइंट। आपके पास एक्स वन क्या है, हेयर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस 5 एक्स टू माइनस 1 वाई वन 7 वाई टू 3। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने, क्या नाम दिया इनको, पी और क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू के आपके पास, ये बीच में माइनस है आपके पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स टू के आपके पास माइनस 1 और एक्स वन क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आपके पास माइनस और एक्स वन के आपके पास माइनस 5, तो माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर लिखिए। प्लस वाई टू के आपके पास 3 माइनस वाई वन 7। माइनस
होल स्क्वायर मेंशन करना है यहाँ पर। माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस, माइनस वन माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, प्लस में थ्री माइनस सेवन प्लस माइनस माइनस कितना होगा आपके पास फोर। बड़ी डिजिट का जो भी साइन होता है हमेशा पहले इसको करो, ये इसका साइन प्लस का है, प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस, थ्री माइनस सेवन कितना होगा फोर। डिजिट बड़ी डिजिट का साइन क्या आपके पास माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास माइनस। सेम माइनस प्लस माइनस, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस वन और फोर कित फाइव कितना होगा आपके पास फोर। बड़ी डिजिट कौन सी आपके पास फाइव, फाइव के आगे साइन के आपके पास प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस फोर। फोर का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर माइनस फोर को टू टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, फोर मल्टीप्लाई फोर कितना होगा आपके पास सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कितना होगा आपके पास थर्टी टू। इसको ब्रेक करो, कैसे लिख सकते हो, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू, सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू, सिक्सटीन का रूट क्या होता है आपके पास फोर और रूट टू एज इट इज आपके पास आंसर। अब करते हैं पार्ट थ्री, स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। पॉइंट्स के आपके पास ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए माइनस बी, लेट द पॉइंट पी ए बी एंड क्यू माइनस ए माइनस बी। हियर एक्स वन के आपके पास ए x2 माइनस ए, y1 b, y2 माइनस बी। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस p और q कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 के आपके पास माइनस ए, x1 के आपके पास माइनस, x1 की वैल्यू क्या थी आपके पास माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या थी आपके पास ए, बीच में माइनस और x1 की वैल्यू ए, y2 के आपके पास माइनस बी और y1 की वैल्यू क्या आपके पास बी होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो a और a को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 2a, साइन किसका आएगा माइनस का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस कितना आएगा माइनस 2b होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होगा आपके पास प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर। फोर यहाँ, फोर यहाँ पर भी है, फोर यहाँ पर भी है, तो फोर हम क्या ले सकते हैं कॉमन, रूट के अंदर ही कॉमन लेना आपने, फोर अंदर क्या रहेगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर फोर। फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास टू, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हुआ।